अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम अभी हम कुबा मस्जिद पहुँच चुके हैं, तो आपको जो है ना कुबा मस्जिद दिखाते हैं। माशाल्लाह सबसे प्यारी मस्जिद जो मुझे भी लग रही है ना जब, तो वो है ये कुबा मस्जिद। और ये आतिफ भाई भी शुरू हो गए, आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल दो मिनट के लिए आँखें बंद कर लें। आँखें बंद की आपने या नहीं की मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें। माशाल्लाह से प्योर वाइट यार, ऐसी शाइनिंग हो रही है धूप में कि आपको क्या बताएं हम। माशाल्लाह से मस्जिद कुबा अपनी मिसाल खुद है, देख सकते हैं। और आप रश देखें, ये सब हज उमरा वाले हैं, और ये सॉरी उमरा वाले हैं जो आए हुए हैं। और ये हमारे अशरफ भाई खजूर लेने रुक गए, महंगी मिल रही है मेरे ख्याल, तभी छोड़ दिया उन्होंने। माशाल्लाह आपको अभी अंदर से भी दिखाते हैं, अभी हम अंदर भी जाएंगे इसके। चार मीनार मस्जिद, मस्जिद कुबा, माशाल्लाह। इसके एक साइड से भी आप व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने बार देखेंगे आपको उतनी बार माशाल्लाह कहने का दिल करेगा। बहुत ही प्यारे आप देख सकते हैं कबूतर इसके बैठे हुए हैं, ये सारे आपको कबूतर दिख रहे होंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, मतलब कि यार माशाल्लाह। दोस्तों अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं। बाहर का व्यू जो आपने चेक देख लिया है, तो अभी आप देखें अंदर का व्यू। क्या हुआ सर जी? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं कि अभी किधर जाएं? मेरे ख्याल से दरवाज़ा वहाँ पर है। हेलो ना, ये मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल शूटिंग वाला एरिया है। और ये मेन गेट है मस्जिद कुबा का। अभी हम जो है ना यहाँ से अभी अंदर दाखिल होंगे, और अब हम अंदर की तरफ रवाना हो गए। ये आप देख सकते हैं ग्रुप फ़ोटो भी दी जा रही है, सारे मतलब के अपने अपने ग्रुप के आए हुए हैं। देख सकते हैं सबका लिबास एक ही होगा, अलग अलग मतलब ग्रुप है इनका। अगर कोई मिस हो जाता है, मतलब गुम हो जाता है, तो वो इससे जो है ना वापसी आपस में मिल सकता है। ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद कुबा में दाखिल होते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बाहर का व्यू, तो आपने बहुत बार देख लिया होगा, बोले बार बार बाहर ही दिखाई जा रहा है। माशाल्लाह से बनी ऐसी है यार, क्या बताएं, क्या देखने के बाद बार बार जो है ना माशाल्लाह कहने का दिल कर रहा है। अब देखें ये दरवाजे होगा, मींस प्रेयर, मर्दों की जगह। ये हमने अपनी चप्पलें रखी, क्या करने अंदर रखूं? अंदर रखना है, नहीं तो ये उठा के अपने पास में रख देगा। अच्छा माशाल्लाह, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे दो नवाफिल पढ़ूँ मस्जिद की, और अभी मैं पढ़ूँगा भी। जो मुझे मज़ा आ रहा है ना माशाल्लाह से, बहुत प्यारी मस्जिद है। आप देखें
अंदर का नज़ारा। ये अंदर है, अंदर से बनी हुई मस्जिद। यहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये आप देखें फ्रंट जड़ा है, बिल्कुल मतलब प्यारा ही प्यारा है यार। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके जो है ना सबसे पहले वज़ू बनाता हूँ और दो रकात जो है ना नमाज मस्जिद के लिए पढ़ता हूँ। तो मस्जिद तो आपने अंदर से भी देखी है, लेकिन अभी मैं जो है ना जा रहा हूँ और जाके वज़ू बनाता हूँ, उसके बाद दो रकात जो है ना नमाज मस्जिद की पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमने दो रकात नवाफिल बराए मस्जिद पढ़ ली हैं और अब हम जो है ना यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब जो है हम जाएँगे, मुझे मतलब नहीं पता, तो वो मैं आपको जो है ना अगली वीडियो में दिखा दूँगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है। तो अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें आधे घंटे का टाइम दिया गया था कि आप आधे घंटे में जो है ना ज़्यारत करके आप वापसी आ जाएं। तो बस मतलब पाँच दस मिनट, पाँच मिनट रहते हैं मेरे ख्याल से, तो ये गुजर जाएंगे अभी, इसलिए जो है ना अभी हम जा रहे हैं। तो फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना, ताकि आप जैसे नए आने वाले भाई यहाँ पे आके इसका खूब इंजॉय कर सके और अल्लाह पाक से जो है ना दिल खोल के दुआएं मांग सके। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों हम वापसी गाड़ी की तरफ रवाना हो चुके हैं, अब जो है ना क्या बोलते हैं गाड़ी का टाइम ख़त्म होने वाला है। अब मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह आप सब लोगों को भी ज़्यारत का मौका मिले, अल्लाह पाक अपने घर पर बुलाए और मेरे लिए भी दुआ की जगह आके जा रहा हूँ आसानी को। मेरी तो दुआ है आप सब लोगों के लिए, मैं हरम पाक में भी गया था तो वहाँ पे मैंने जो है ना आप लोगों के लिए दुआ की। अब यहाँ पे भी आया हूँ तो सब लोगों के भाइयों के लिए दुआ की है मैंने कि अल्लाह पाक सबको अपने घर पे बुलाए और सबको यहाँ पे आके जो है ना अपनी दुआएँ मांगने के जो है ना तौफीक अता करे। तब तक अब दोस्तों हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आने के बाद।